हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, ये मेरा प्रश्नावली है 9.1 का, तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो क्लास 10th के हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन है काफ़ी इजी, इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी कि एक ठेकेदार फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, बच्चों को खेलने के लिए दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर हो, यानी कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण बना हो, कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल लगाना चाहती है फिसलन पट्टी, और उसकी उन्नयन कोण कितना है, भूमि के साथ वो 60 डिग्री कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकलना है, यानी कि दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितना वह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम फोटो से हम समझते हैं। एग्जाम में आपको फोटो साइड में बना लेना है, फोटो आपको साइड में बनाना है परीक्षा में। ऐसे माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, ये हो गया। तो इसका क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 1.5 मीटर और इसका कोण कितना है, भूमि के साथ 30 डिग्री पर है। माना कि ABC कोई फिसलन पट्टी है और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। ऐसे सारे के सारे समकोण त्रिभुज पर आधारित हैं, आप सारे फोटो के समकोण त्रिभुज बनाइएगा। मान लेते हैं PQR फिसलन पट्टी है, ये हो गया। और यहाँ क्या, ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये 3 मीटर की ऊंचाई है इसका दीवार, और इसके साथ भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री का। तो कहता है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि यह हमें कर्ण निकलना है, ये हमें कर्ण पता करना है, AC पता करना है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में PR पता करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और ये अधिक, ये स्थिति 1 है, ये स्थिति मेरा 2 है। तो यहाँ पर हम हल लिखते हैं, स्थिति 1 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, यानी कि त्रिभुज किसे में जाएंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में मेरा AB मालूम है, AB कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर है। यानी कि देखिए, हमें तो फाइनली हमें कर्ण निकलना है, कुछ तो करना नहीं, यहाँ पे कर्ण निकलना है, यानी कि थीटा है, तो हम जानते हैं थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमें तो ये तो पता करना है नहीं, हमें तो कर्ण पता करना है, फिसलन पट्टी यही ना है, जो बच्चा सा इधर चढ़ता है, एक साइड से चढ़ता है और एक साइड से फिसलता है, तो हमें कर्ण निकलना है। तो हमें लंब दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण किसमें फॉर्मूला होता है, तो हम बता देते हैं यहाँ पर लंब और कर्ण देखिए किसमें है, लंब और कर्ण साइन में है, साइन के रिलेशन में बैठ रहा है यहाँ पे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हम यही फार्मूला की यूज करेंगे साइन थीटा का। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये हो गया। और साइन थीटा यानी कि थीटा मेरा कितना डिग्री है, इस त्रिभुज में मेरा थीटा तो 30 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री लेंगे। और लंब, तो लंब हमें क्या है, लंब AB है, AB भुजा मेरा लंब है, और कर्ण AC है, AC बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। तो 37 का मान क्या होता है, 37 का मान 1/2, और ये भी हमें 1.5 दिया हुआ है, 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर और बट्टे AC, इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो फिसलन पट्टी की लंबाई मालूम हो जाएगा। तो यानी कि AC में हम 1 से गुना करेंगे तो AC होगा, और 1.5 में हम 2 से गुना करेंगे तो 1.5 दुना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 मीटर हो जाएगा फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, एक मेरा आंसर ये निकल कर आ गया। और मेरा दूसरा स्थिति है, इसी में एक और क्वेश्चन है
जो हम ये साइड बना देते हैं। अब क्या कहता है, अब हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अब निकालेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे, सवाल समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हमें पता करना है, तो चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी कि हमें एक कर्ण हमें पता करना है और थीटा ये है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गया, यानी कि लंब और कर्ण जो दिया रहता है उसको हम लेकर के और जो नहीं दिया रहता है उसको हम निकालते हैं। तो यानी कि लंब हमें दिया और कर्ण निकालना है, तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, जैसा कि यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया, यहाँ पर हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो थीटा मेरा यहाँ क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो लंब क्या है, लंब मेरा पी क्यू है और कर्ण है पी आर, तो पी क्यू बटे पी आर, ये हो गया। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, मेरा पी क्यू 3 मीटर है और पी आर तो हमें पता करना है, तो क्रॉस गुना करते हैं, यानी कि पी आर में हमें √3 से गुना करेंगे, तो √3 PR हो जाएगा, √3 × PR और 2 × 3 ये हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं PR बराबर 2, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और ये गुना में √3 है तो इधर गया तो भाग में, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो मेरा PR बराबर क्या बचेगा, 2√3, यही है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो फ्रेंड्स, ये सवाल भी हल हो गया, तो उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।